तो ये वाली जगह है ये, इट्स कॉल्ड दिस। मैं अपनी हॉप ऑन हॉप ऑफ के लिए रुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि स्टोरेज फुल चल रहा था फ़ोन का और ऑलरेडी बहुत दिनों आगे का व्लॉग बन चुका था। तो कल रात को बैठ के मैंने स्टोरेज वगैरह ठीक किया। अब आपको पता ही है आईफोन और स्टोरेज का मसला। तो आज मैं टूरिस्टी थिंग्स करने जा रही हूँ। मुझे एक हफ्ता हो गया है बर्लिन में आके, बट मैंने कोई टूरिस्टी चीज़ें नहीं की क्योंकि मैंने सोचा था पहले थोड़ा समझ लूँ बर्लिन को, जान लूँ, फिर वो सब करूँगी कि मुझे स्कैम नहीं होना है। और मैं समझ चुकी हूँ आई थिंक अभी। तो आज निकलते हैं और आज जो यहाँ की फेमस जगहें हैं वो ब्रांडनबर्ग गेट और चलो मैं रेडी हूँ और देखते हैं क्या मौसम हो रहा है बाहर। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। इनका समर्स भी ठंड है, हमारा जो मुंबई का विंटर्स होता है ये इनका समर्स है। तो चलो निकलते हैं बाहर। चलो मैं आपको आज एक टिपिकल यूरोपियन बिल्डिंग भी दिखा दूँ। ऐसे घर है, ये अंदर की बिल्डिंग है। हमें इधर ना दरवाजे देखो ना कितने बड़े बड़े होते हैं, इसको जोर से खोलना पड़ेगा। और मैं पहुंच गई हूँ तुम्हारी साइड पे। तो ये मैं खड़ी हूँ ब्रांडनबर्ग गेट के बाहर। काफ़ी सुंदर जगह और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भी। तो ये गेट है, अभी मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं, इतना पता है कि ये यूनिटी का सिंबल है, पीस का। ये कोल्ड वॉर के टाइम बर्लिन और जर्मनी के बीच से मिलिए, ये हमारे दोस्त हैं। वाह, डर गई। मेरा बचपन से सपना था कि मुंबई दर्शन में बैठना है, बट वो तो कभी हुआ नहीं है। देखो मैं गेट के नीचे से गुजर रही हूँ, वो कभी हुआ नहीं। बट यहाँ पे एक मुंबई दर्शन है, एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है, तो शायद अभी उस पर बैठा जाएगा। चलो देखते कहाँ से मिलती है, ढूंढना पड़ेगा। And then I can take any bus, right? The entire day. Any bus, of course. और मुझे hop on hop off bus मिल गई है finally. और मुंबई दर्शन का ड्रीम पूरा हो रहा है यहाँ पे hop on hop off bus में। और मैं ये आ गई हूँ इनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये। इसको राइस्टैग बिल्डिंग कहते हैं, प्रोनंसिएशन मत पूछो मुझसे। वो फेरी जा रही है, लोग फेरी से भी लेके जाते हैं आगे, बट आज ये देखो एक और आ गया। बड़ा बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो मैं नेक्स्ट वीकेंड आऊँगी शायद फेरी से जाने के लिए। अभी ये जो राइस्टैग बिल्डिंग है, जो इनका पार्लियामेंट है, उसके अंदर जा रही हूँ मैं। और ये मास्क पहना गया ठंड के वजह से, क्योंकि नाक को ठंड लग रही है। मुझे क्यों तोड़ा? वो राइस्टैग बिल्डिंग का मुझे पता चला 1 वीक पहले तुम्हें टिकट लेनी पड़ती है ऑनलाइन, तो नेक्स्ट वीक आया जाएगा। अभी मैं हूँ यहाँ पे, अभी फिर एक स्ट्रेंजर को पकड़ते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए,
तो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का बहुत सही सिस्टम था, उधर ईयरफोन्स लगे हुए थे और पूरा गाइडेड टूर था। तो अभी एक इस वीडियो से पहले शायद मैं एक वीडियो डालूंगी, वो बिल्डिंग मैं बोल नहीं पाई तभी, वो बिल्डिंग इट्स द ओनली बिल्डिंग टू सर्वाइव वर्ल्ड वॉर 2, तो वो आई थी और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन जो मुझे याद भी नहीं रह रहा है अभी, तो मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। अब मैं जा रही हूँ एक पार्क के अंदर। ये हुई ना पार्क वाली बात, उस दिन मैं कह रही थी ना इनके पार्क मेंटेन्ड क्यों नहीं है, ये हुआ पार्क। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस पास सांस में और साथ बात करे क्यों ना। गाइस यार ये जगह देखो, अब लग रहा है मैं इंडिया के बाहर, पहले तो ऐसे मुंबई लग रहा था मुझे बोलिए। मैं अभी दोस्तों को फोटो भेज रही थी तो मुझे पूछते ही कौन सी जगह है, तो ये मैंने उनको भी बोला और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे पूछो ये कौन सी जगह है, क्योंकि मुझे प्रोनाउंस करने तो हो नहीं रहा आधी जगहों के नाम। मेरे पास ये मैप है जिसके हिसाब से मैं चल रही हूँ, और जब मुझे किसी को पूछना होता है ये जगह कहाँ पे, मैं मैप पे पॉइंट आउट करके बता देती हूँ। इट्स टफ गाइज। तो मैं अभी लाइन वन घूम रही हूँ, हम अलेक्जेंडर प्लेट्स पे है और ये लाइन टू में आता है, ईस्ट साइड गैलरी वगैरह। ईस्ट साइड गैलरी जो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन गैलरी है वो लाइन टू में है। तो लाइन वन कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं, टाइम हुआ तो लाइन टू में भी जाएंगे। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की फोटो है। अब बज रहे हैं 2, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ढूंढा जाएगी जगह। जर्मन खाना तो नहीं खाना है मुझे, तो देखते क्या मिलता है अभी। एक बात तो मुझे बोलना के समझ गई है कि मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। मतलब भूख लगी होती तो मैं ऐसे क्यूजीन ट्राई नहीं करने वाली। तो इसी नोट पे मैं अभी पिज्ज़ा हट में आ चुकी हूँ और पिज्ज़ा खाया जाएगा। हम अभी है टाइपोग्राफी ऑफ टेरर म्यूजियम में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में जो वॉल थी उस वॉल का कुछ हिस्सा रह गया, तो ये एक पार्ट है। मतलब जो मैं यहाँ खड़ी हूँ वो वेस्ट जर्मनी है, वेस्ट बर्लिन है, एंड वॉल के इस तरफ है ईस्ट बर्लिन। 1945 में ये वॉल तोड़ी गई थी। फ्री टू विजिट म्यूजियम है, इसके बारे में लिखा हुआ। तो यहाँ पे सारी स्टोरी लिखी हुई है कैसे हिटलर केम इनटू पावर एंड फिर उन्होंने 1945 में सुसाइड किया, वो सब के बारे में। ये हिटलर की स्पीच सुनाई दे रही है, देखो आप लोग को सुनता है। बहुत ही हैवी था ये सब रीड करना, उसमें सब लिखा था, मतलब कुछ कुछ लोगों का फोटो डाला था, यूएस लोग जो मारे गए थे वॉर में। बहुत सैड था सब। अब आगे बढ़ते, मैंने तो आधा छोड़ ही दिया, मुझसे हुआ ही नहीं आगे रीड करना, और फोटोज भी थे ना उनके सबके। बट ऑन अ हैप्पी नोट, ठंड थोड़ी कम हो गई है।
तो चेक पॉइंट चाली एक्चुअली ऐसा था वॉर के टाइम पे यूएस आर्मी चेक पॉइंट, और ऐसा लिखा यू आर लीविंग द अमेरिकन सेक्टर। ये एक्चुअली कोल्ड वॉर के टाइम पे ईस्ट और वेस्ट बर्लिन, मतलब ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आने का पॉइंट था चेक पॉइंट चाली। मुझे उतरना तो चाहिए यहाँ, यहाँ पे नेपट्यून फाउंटेन है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ठंड भी लग रही है, तो अब लगता है घर जाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीकेंड फिर आ जाएंगे। अभी तो 3 महीना है मेरे पास। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है ना, तो बट नेक्स्ट वीक फिर से जाऊंगी शायद, या फिर कभी, क्योंकि थोड़े से चीज़ें रह गई है मेरी विजिट करना, और बस अभी मुझे पता नहीं आगे क्या बोलना। हम दिन का एंड यही करते हैं और शायद से व्लॉग का भी। ये मेरे सारे दिन का फेवरेट पार्ट है, बेड पे बैठ के कोई सिटकॉम देखना, साइनफील्ड वन ऑफ माय फेवरेट। ये चालू है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।